हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, तो यस्टरडे वी हैव डन प्रॉब्लम सेट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट एंड सेकेंड किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5th, हाँ, थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो वो जो क्वेश्चन है वो हमें क्रैमर्स मेथड से करने हैं। वॉट इज द थर्ड क्वेश्चन? इट इज गिवन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज गिवन? a1 इज इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 2, c1 इक्वल टू 5 अपॉन 2, फाइन। a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b2 इक्वल 3 एंड c2 इक्वल माइनस 4 अपॉन 3। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, दैट इज a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या है? 3 है। a2 इज 1 अपॉन 3, b1 इज माइनस 2, b2 इज 3, फाइन। इट्स इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 अपॉन 3। इट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 अपॉन 3। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो 3 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, 27 प्लस 2 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू 29 अपॉन 3। इतना समझ में आया? तो डी हमें क्या मिल गया? 29 अपॉन 3। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। एक्स में क्या नहीं लिखते? a1 a2 नहीं लिखते, तो c1 c2 b1 b2। c1 इज 5 अपॉन 2 एंड c2 इज माइनस 4 अपॉन 3, b1 इज माइनस 2, b2 इज 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 4 अपॉन 3, इट्स इक्वल टू 15 अपॉन 2 माइनस, यहाँ जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 अपॉन 3, इट्स इक्वल टू 15 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 3। नाउ एज यू नो 2 और 3 एक्स टेबल में आते नहीं है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से। तो 15 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 45 माइनस 2 8 ज़ा 16 अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 45 माइनस 16 कितना होता है? 29 अपॉन 6। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या मिल गया? 29 अपॉन 6। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ y हम ढूंढेंगे, इट्स a1 a2 c1 c2। नाउ व्हाट इज a1? 3, a2 इज 1 अपॉन 3, c1 इज 5 अपॉन 2 एंड c2 इज माइनस 4 अपॉन 3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3, 3 और 3 कट, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 वन ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, माइनस 4 माइनस 5 6। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो 6 आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 24 माइनस 5 अपॉन 6, इट्स इक्वल टू माइनस 29 अपॉन 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या मिल गया? माइनस 29 अपॉन 6। अब आपको क्या ढूंढना है? x, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। नाउ व्हाट इज dx? dx हमें मिला है 29 अपॉन 6 एंड व्हाट इज d? 29 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 6 डिवाइड बाय 29 अपॉन 3, इट्स इक्वल टू 29 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 29 कट, 3 वन ज़ा 3, 3 टू 6, आपको क्या मिल गया? 1 अपॉन 2। तो x क्या है? 1 अपॉन 2। वैसे ही हम y ढूंढेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन d, दैट इज इक्वल टू माइनस 29 अपॉन 6 अपॉन 29 अपॉन 3, ये इस जैसा हो जाएगा, माइनस 29 अपॉन 6 डिवाइड बाई 29 अपॉन 3, इट्स इक्वल टू माइनस 29 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 29 कट, 1 आ जाता है, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, इट्स माइनस 1 अपॉन 2। सो x इज 1 अपॉन 2 एंड y इज माइनस 1 अपॉन 2। तो आप आंसर में लिखोगे x इक्वल 1 अपॉन 2 एंड y इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को?
अब हम फोरसम में जाते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन इज 7x + 3y = 15 एंड 12y - 5x = 39. तो आपने पहले इनको अरेंज कर लेना है. ये तो ऑलरेडी अरेंज है, इसे आपको अरेंज करना पड़ेगा. a1 = 7, b1 = 3 and c1 = 15. ठीक है, अब इसको अरेंज करिए. इट विल बिकम -5x + 12y = 39. तो यहाँ a2 क्या हो गया, -5, b2 12 एंड c2 इज 39. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. डिटर्मिनेंट इक्वल a1 b2 इट्स इक्वल टू 7 - 5, 3 and 12 इक्वल टू 7 × 12 - 3 × -5. 12 7 is 90, क्या आएगा 84. -3 5 is 15 - 15 इट्स इक्वल टू 84 + 15, क्या हो गया ये 84 + 15 = 99. सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ x ढूंढेंगे, दैट इज c1 c2 b1 b2. इट्स इक्वल टू c1 is 15 c2 is 39 b1 is 3 and b2 is 12. तो मल्टीप्लाई 15 × 12 - 3 × 39. ओके, नाउ 15 2 is 30 and 15 1 is 15. तो कितना हो गया, 180 हो गया. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लो. आपको अगर नहीं आता डायरेक्टली करना, 15 × 12, 15 2 is 30 and 15 1 is 15, इट इज इक्वल टू 180. ठीक है, 180 -3 9 is 27, 3 3 9 10 11 117. तो आप इसको माइनस करिए 180 से 117 को, तो कट 10 क्या हो गया, 3 आ गया. यहाँ 7 - 1 is 6, क्या मिल गया हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ x 63. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2. a1 a2 is 7 and -5 and c1 c2 is 15 and 39. मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 39 - 15 × -5. 9 7 9 63, 6 carry 7 3 21 21 + 6 27. -15 5 is 75. तो यहाँ -75 आएगा. इट्स इक्वल टू 273 + 75. प्लस करिए 5 + 3 8 7 + 7 14 348. तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ y भी मिल गया. अब हम क्या करेंगे, हम x ढूंढेंगे. x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट, दैट इज 63 / 99. दोनों 9 के टेबल में जाते हैं. 9 7 63 and 9 11 99. तो आपको x क्या मिल गया, 7/11. वैसे ही हम y ढूंढेंगे, दैट इज dy / d. डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट 348/99. मल्टीप्लाई करिए, अभी ये 99 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं. 3 3 is 9 3 3 is 9 3 1 is 3 3 1 is 3 3 6 is 18. यू आर गेटिंग 116/33. तो योर y इज 116/33 एंड x इज 7/11. आंसर में लिखोगे x इक्वल 7/11 एंड y इक्वल 116/33 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, आया समझ में सबको. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, दैट इज x + y - 8/2 इक्वल x + 2y - 14/3 इक्वल 3x - y/4. अब नाउ दिस सम इज टोटली डिफरेंट. आपको पहले तो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, कोई भी दो लेके. अभी हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे, इससे एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, एंड सेकेंड एंड थर्ड लेके इससे एक इक्वेशन
क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो आई एम टेकिंग x प्लस वाई माइनस एट अपॉन टू इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन फोर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू इंटू 3x माइनस वाई. तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4y माइनस 4 8 32 इक्वल 6x माइनस 2y. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. नाउ अब इनको अरेंज कर लो. देयरफॉर 4x माइनस 6x प्लस 4y प्लस 2y इक्वल टू 32. तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 32. नाउ इफ यू सी हियर, 2 जो नंबर है सब में कॉमन है, हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे फ्रॉम बोथ साइड. डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 2 2 2 माइनस एक्स हो गया, 2 3 6 माइनस 3y हो गया, एंड 2 1 2 2 6 12. ये करके आपको ऐसा ये पहला इक्वेशन बन गया. आया इतना पार्ट समझ में आपको? अब वैसे ही हम सेकेंड एंड थर्ड लेंगे ये, और इसे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे. सो नाउ एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4. सो देयरफॉर 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस वाई. 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 8 एंड 14 4 इज 64 इक्वल 3 3 9 एंड 3 1 3. इस तरीके से आपको ये आ जाता है. इसके बाद मैं यही कर लेती हूँ, अरेंज करिए. देयरफॉर 4x माइनस 9x प्लस 8y प्लस 3y इक्वल 64. देयरफॉर माइनस 5x प्लस 8 9 10 11. ठीक है, 11y इज इक्वल टू 64. इस तरीके से आपको ये सेकेंड इक्वेशन बन गया. तो वी गॉट फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो एंड सेकेंड इक्वेशन. अभी a1 a2 लिख के हम क्रेमर मेथड से आगे का सम्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो a1 इज इक्वल टू माइनस 1, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 16. ठीक है, a2 है आपका माइनस 5, b2 है आपका 11 एंड c2 क्या है 56. इतना पार्ट क्लियर. ये 56 होगा, मैंने 64 लिखा है, करेक्ट कर लीजिए आप प्लीज. सॉरी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल हमारा मेथड सम स्टार्ट होता है. वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट, दैट इज a1 a2 b1 एंड b2 इट्स इक्वल टू -1 -5 3 and 11 minus 1 into 11 and minus 3 into minus 5 minus 11 minus minus 15 it's equal to minus 11 plus 15 equal to 4. अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x ढूंढेंगे, दैट इज c1 c2 b1 b2 इट्स इक्वल टू 16 56 3 and 11. It's equal to 16 into 11 minus 3 into 56. ठीक है, 16 into 11 16 and 16 क्या हो गया 176 हो गया. माइनस 3 6 18, 3 5 15 16, 168 क्या हो गया, ये 8 मिल गया आपको. अब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई ढूंढेंगे हम, इट्स इक्वल टू a1 a2 c1 c2. It's equal to minus 1, minus 5, 16 and 56. Minus 1 into 56, minus 16 into minus 5. It's equal to minus 56, minus, minus 80. Equal to minus 56 plus 80. A
अब 80 से 56 माइनस करिए, आपको मिल जाएगा 24। तो आपको अभी x डिटरमिनेंट ऑफ x क्या मिल गया 8 एंड y क्या मिल गया 24, और आपको डिटरमिनेंट क्या मिला है 4। सो वी आर गोइंग टू फाइंड x, दैट इज dx अपॉन d, इट्स इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 टू ज 8 इज इक्वल टू 2। तो आपको x क्या मिल गया 2, y इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट दैट इज 24 अपॉन 4, 4 6 ज 24 इक्वल टू 6। सो आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू एंड y इक्वल 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में सबको? सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय।